अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जो है ताहिर अली। अच्छा ताहिर, आपका यहाँ पर फातिमी फाउंडेशन जो हैदराबाद सेंटर, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा आपका? मेरा 01। 01, यानी आप सबसे पहले जो है यहाँ पर आए थे जब 2007 में बनी थी। उस वक्त उम्र कितनी थी आपकी? मेरी 3 माह उम्र थी। और आप कितनी माशाल्लाह से? 17 साल। 17 साल है जो है। तकरीबन ये समझ लें कि शुरू में जैसे आप यहाँ पर आ गए थे जो है, तो कैसा रहा ये वक्त आपका जो है? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, प्ले लगता रहा। किसके साथ आते थे आप जो है? मैं पहले तो अब्बू अम्मी के साथ आता था, फिर चाचू लेके आता था, अभी खुद आता हूँ। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? ये बड़ा मैंने सुना, बड़ी दूर से आप आते जो है? हम आते हैं दादू खैर को नाथन शाह। तो वहाँ से आने में कितना टाइम लग जाता है आपको जो है? टाइम 4 घंटे लगे। 4 घंटे लग जाते हैं जो है, यानी 4 घंटे आने के और 4 घंटे जाने के लग जाते हैं। तो जब भी ट्रांसमिशन करानी होती है आप जो है इसी तरह सिलसिला रहता था आपका? जाते हैं, फिर यहाँ पे रहते हैं एक दिन। अच्छा, अब यहाँ से आप नई मंजिल में जा रहे हैं, नई बिल्डिंग में जा रहे हैं जो है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा, नई बिल्डिंग होगी, बुले लग रहा। और कुछ कहेंगे इसके हवाले से, कुछ यादों के हवाले से, कुछ बातों के हवाले से जो है? जी बस अच्छा टाइम गुजरा, ब्लेड अभी लगता रहा। और फातमीन देती रही ब्लेड। और ब्लेड की ज़रूरत होती है, आप भी ब्लेड दिया करें। ब्लेड बच्चे बहुत हैं, ब्लेड लगता है बच्चों को, तो इसलिए ब्लेड की कमी हो जाती है कभी कभी, तो ब्लड देना चाहिए फातिमा को। सही बात है, अगर ब्लड मिलता रहे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़िंदगी जो यूं ही चलती रहेगी और इंशाल्लाह इसी तरह खुशी से गुजरता रहेगा। वक्त जो है एक ब्लड ही का मसला होता है। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से, मैं अपनी इस भाई को भी इसी मैंने मेंशन किया है कि ये फातिमा में 01 इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर था और माशाल्लाह से यहाँ से ये ब्लड लगाता था। आपका अतिया खून जो है इनकी लाइफ लाइन, इनकी ज़िंदगी है, तो अतिया खून देते रहिए इंशाल्लाह जो है, बाकी सारे मामला अल्लाह तबारक व तआला इसमें आसानी फरमाता और भी आसानी फरमाएगा। ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है, खुश रहें, आबाद रहें, शादो आबाद रहें जो है।